दोस्तों ये सामने है आपका द ब्रिटिश कंट्री साइड, द फेमस ब्रिटिश कंट्री साइड। ऑफ कोर्स इंडिया मेरे हिसाब से ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों ये है शेफील्ड और यूके का फेमस पीक डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं यूके का शहर शेफील्ड एंड वी आर गोइंग टू द फेमस पीक डिस्ट्रिक्ट जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में नेशनल पार्क है दैट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों हम जा रहे हैं एक गांव जिसका नाम है कासलटन जो कि पीक डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी अंदर जाके है। प्लान यही है कि हम वहां गांव पहुंचेंगे और फिर वहां से जो है लोकल एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों अभी हमने ये ऊबर हायर की है पर हम श्योर नहीं है कि वापस कैसे आएंगे क्योंकि कासलटन में ट्रेन स्टेशन नहीं दिखा रहा है, तो किस प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन था टू हायर अ कार फॉर अ डे बट दैट वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों अब हम कासलटन पहुंच रहे हैं। ये काउंटी डर्बीशायर में लोकेटेड है और ये जो है पीक डिस्ट्रिक्ट का लाइमस्टोन एरिया कहलाया जाता है, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा फॉरेस्ट या बड़े पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों हमारा प्लान है कि यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है मैमटोर हिल जो कि कासलटन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी में है, तो हम वहाँ तक वॉक करेंगे। इंटरनेट कहता है कि ये वॉक कैन बी डन इन 1 to 2 hours डिपेंडिंग ऑन फिटनेस लेवल क्योंकि कुछ स्ट्रेचेज इसमें थोड़े स्टीप इंक्लाइंस हैं, तो हम होप करते हैं कि हम जो है 1.5 hours में ये वॉक कंप्लीट कर लेंगे। हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते बिकॉज वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर कि हमारी रिटर्न जर्नी कैसी होगी। और यहाँ पर हालांकि अभी मई का महीना है, शाम को ठंड हो जाती है। दोस्तों ये है शेफील्ड और यूके का फेमस पीक डिस्ट्रिक्ट। सारे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, उसमें छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट गेस्ट हाउसेज, तो लोग आते हैं यहाँ वीकेंड में रहते हैं और दिन भर जो है हाइकिंग करते हैं। और ये अब जो है जो हाइकिंग सीज़न जो है यहाँ शुरू हो गया है समर मंथ्स का और ये अब चलेगा अपना अगस्त सितंबर तक चलेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ़ हो जाता है, एरिया इनएक्सेसिबल हो जाता है, पर ये 4-5 महीने यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे नदियाँ हैं, रिवलेट्स हैं जहाँ लोग आते हैं अपना बारबेक्यू करते हैं, पिकनिक करते हैं और स्विमिंग वगैरह करते हैं। दोस्तों अब हम टाउन से काफ़ी बाहर आ गए हैं और टूवर्ड्स दी माउंटेन्स पहुँच रहे हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो ये सारा लाइमस्टोन एरिया है इसलिए वेजिटेशन कम है। थोड़ा बाकी और मैंने सोचा खत्म होगा पर अभी और भी है। व्यू देखिए, तो हमें जाना है वहाँ तक उस चट्टान के ऊपर अगर हम पहुँच सकते हैं। छाया दोस्तों ये जगह मुझे बिल्कुल जहाँ मैं 4 साल पढ़ा हूँ, जगह का नाम है शिलोंग, उसकी बहुत याद दिला रही है। वहाँ पर एक हाइक होता था शिलोंग से, शिलोंग पीक जो हम अक्सर जाया करते थे दोस्त के साथ, पेरेंट्स के साथ, और वहाँ भी ऐसी ये खुले खुले मेडोज और उस एरिया में वहाँ से चेरापूंजी तक का जो एरिया था वो ऐसे ही सारे जो है वहाँ, क्योंकि लाइमस्टोन है, ग्रासी हिल्स वहाँ दिखते थे जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहे हैं और बिल्कुल मुझे याद दिला रही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या है। ये खुलता कैसे? अच्छा, ओ गुड फादर आप। Does anyone have candle? I want to sit here and meditate. You have to go there.
दोस्तों यहाँ ऊपर जो है हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और कंपेयर टू वहाँ नीचे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इस एरिया में लैंडस्लाइड्स काफ़ी होते हैं, इसलिए मैमटोर को शिवरिंग माउंटेन भी कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल हम होपफुली ऊपर तक पहुंच रहे हैं और हालांकि हाइक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है पर क्लाइम बहुत है, यानी स्टीप बहुत है, इसलिए जो है थकावट हो रही है। और यहाँ पर जो है लोग काफ़ी हैं आना जाना, तो उसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर मतलब सांप सूंप का खतरा नहीं है, और दूसरे जो यहाँ जानवर हैं जैसे कि शीप काउज, वो जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के यूज्ड टू हैं, तो वो अटैक नहीं करेंगे। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा आप अगर इंटीरियर में चले जाओ जहाँ कम हाइकर्स होते हैं या कम लोगों का आना जाना होता है, तो इंसिडेंट्स हो जाते हैं जब काउज अटैक कर देती हैं। और यूरोप में खासकर और जो मेन हाइकिंग एरियाज में ये एक प्रॉब्लम भी समझा जाता है। वो वहां से आया हम नीचे, बहुत तेज हवा चल रही है अब। दोस्तों ये फाइनल स्ट्रेच, लग नहीं रहा है कि हम मनाली के आसपास कहीं आ गए। रोहतांग पास, ब्यास कुंड, बिल्कुल अभी और भी ऊपर है भाई साहब। दोस्तों हम टॉप में आ गए। दोस्तों यहाँ लोकल ज़्यादातर अपने गाड़ियों में आते हैं, अभी यहाँ विजिबल नहीं है, बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिल नीचे बॉटम में देर इज़ अ बिग पार्किंग। पर हम लोगों ने एक जगह है जिसका नाम है ईडेल, जीपीएस में दिखा रहा है कि वहाँ से एक ट्रेन सर्विस है, जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो आर्ली है। तो हमारा अटैम्प्ट ये है कि हम जो है 4 बजे की ट्रेन पकड़ें, क्योंकि लास्ट ट्रेन 5 बजे है और हम लास्ट ट्रेन तक वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ यूके में अक्सर ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं। तो दोस्तों बेसिकली कासलटन से हम मैमटोर हिल तक आए और मैमटोर से हम और आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स द ईडेल रेलवे स्टेशन। अननोन जगह में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जीपीएस बार बार चेक करें कि टाइम टू डेस्टिनेशन रिड्यूस हो रहा है, उसका मतलब यही होता है कि आप सही रास्ते में हैं, एटलीस्ट आपका डायरेक्शन सही है। दोस्तों अब हम बस पहुंचने वाले हैं, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा पहले से रूट को बेटर मैप आउट कर देना चाहिए था। आई थिंक हमने थोड़ा सा रिस्क लिया विच वी शुड नॉट हैव टेकन। दोस्तों हमें ट्रेन अब वापस डायरेक्ट शेफील्ड के लिए मिल रही है, जहां पर अभी हम ठहरे हुए हैं। हम जा रहे हैं यहां का ट्रेन स्टेशन। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। ट्रेन इज कमिंग।